देखिए कॉन्फिडेंट तो ऑब्वियसली है बट बाकी टीम में भी है बट एक चीज़ जो हमें मुझे समझ में आती है वो वे कि जो हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया और पहले चार साल हम बॉटम पे रहे लेकिन हम प्लेयर डेवलप करते रहे शहीन ले लें हारिस ले लें फ़खर ले लें ले, अब्दुल्ला शफीक ले लें जमान खान ले लें एक लंबी लिस्ट है सो उसके बाद अल्लाह तला ने हमें कामयाबी भी दी जब शहीन लंडी कोतल से हमारे कैप्टन बने और जमान चक सवारी से हमारे अमरजिंग के अंदर आए सो वो जो हमारे फैमिली है कलंदरस फैमिली है जो दिल से खेलती है और अब वो कलंदर ब्रदर्स हैं सो इन बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे और पूरी तरह अपने फैंस को एज ऑलवेज जो है वो उनको महसूस करेंगे तो जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये क्या ये डिड दैट प्ले अ वेरी बिग रोल जो आप लोगों की रेसिपी है इतनी सक्सेसफुल होने के लिए इन द पास्ट टू सीजंस हंड्रेड परसेंट देखें आप एक तो हारना बड़ा मुश्किल काम होता है और हार के उसको सेलिब्रेट करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और लाहौर के लंदर जब जब हारी है पहले के चार पाँच सीज़न उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया तो हमेशा कहता था कि जो लोग अपनी जीत को सेलब्रेट करते थे, हार को सेलिब्रेट कर सकते जीत उनसे दूर नहीं होती आज आप देखें कि शाहिन शाहवेदी टी ट्वेंटी पाकिस्तान की टीम का कप्तान ही कह रहे हैं आज फ़खर जमान की सूरत में चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने इंडिया को हराया आपने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में शाह और हारिस की तबाह उन बॉलिंग की बदौलत आपने इंडिया को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में दी, तो उसके उसके जो बेनिफिट्स है उसके जो सम्राट है वो ना सिर्फ हमें मिल रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को मिल रहे हैं और दुनिया है क्रिकेट को नए नए हीरोज़ मिल रहे हैं